सूबा पंजाब की सकाफत में हाथ से बनने वाली चीजें आज भी नुमाया अहमियत रखती हैं। इन चीजों में सकाफत और पायदारी नजर आती है। मट्टी के बर्तन हो या लकड़ी से बनी हुई मुख्तलिफ चीजें, सभी अपनी मिसाल आप होते हैं। इसी तरह शहतूत की छड़ियों से टोकरियां बनाना भी पंजाब की सकाफत का हिस्सा है। हमारी सकाफत, हमारी जो पुरानी चीज़ें थीं उनकी जगह अब मशीनरी ने ले ली है। मैं इस वक्त मौजूद हूं एक टोकरे बनाने वाले के पास। आइए उनसे जानते हैं ये टोकरे कैसे बनाते हैं, ये कहां से लेके आते हैं और ये कैसा चल रहा है। जी, मेरा नाम मुनीर है। हम ये टोकरे का काम करते हैं। हम बहुत दूर से और मेहनत का काम करते हैं। छड़ियाँ खरीद के लेके आते हैं यहाँ पे, इनको पहले चीरते हैं, फिर बनाते हैं, फिर टोकरी बनती है। ये बहुत ही मेहनत का काम है। असी किसान ब्यासी तो काम करते पे हैं टोकरियाँ का। साड़ा प्यो दादा यही कारोबार करता, साड़ा भी यही कारोबार है। तो लेकिन असी जिमीदार आते ने, कुछ सब्जियां वाले आते ने, लैके जाते ने अपना माल डंगर वास्ते, फ्रूट दिया बागों वास्ते इतों इस्तेमाल होंगे लैके जाते ने लोग साढ़े को बनवा के। ये बहुत मेहनत वाला कारोबार है। लेकिन बाहर टूत बड़े औखे मिलते हैं, बड़ी लकड़ औखी मिलती है सानू। ये भाई असं जिमीदार बंदे हैं, टोकरियां लैने वास्ते आए हैं इतने। भाजी टोकरी अच्छी, बहुत अच्छी चीज़ हैगी। हूँ भाजी जो मशीनी दौर आ गया वा, अगे साढ़े टोकरियां बड़िया विक जांदियां सीगियां, तो हूँ जो प्लास्टिक के टापे चल गए ने वो ज़्यादा विकते हैं। रोजी जी घट हो गई है। अगे दुनिया खांचे वगैरह लै जाते, वो भी लोहे के बनने लग गए मशीन के, ते जेड़ा हुण माल घट विकन लग गया वा, ते बाहरों शतूत भी नहीं लभदा, शतूत जिमीदार जड़ां च वेची जांदे ने। लेकिन इस जदीद दौर में टोकरियों की जगह प्लास्टिक की टोकरियां और टब ले चुके हैं। इसके बावजूद टोकरियां बनाने वाले मेहनतकश अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आज भी ये काम कर रहे हैं। सबसे पहले वो दूर दराज गाँव से शहतूत की छड़ियाँ काट कर लाते हैं और फिर इनको काट छाट कर नरम और लचकदार छड़ियों से टोकरे और टोकरियां बनाते हैं। जमींदार अपनी गाय भैंस को चारा डालने के लिए इन टोकरियों का इस्तेमाल करते हैं और मुर्गियां रखने वाले अफराद टोकरे इस्तेमाल करते हैं। एक तो इनमें हवा का गुजर हो जाता है, दूसरा बारिश की वजह से ये खराब भी नहीं होते और मुनासिब लागत की वजह से कुव्वत खरीद में भी आसानी होती है। जी बिल्कुल, आपने सुना उनका कहना था कि अब जदीद दौर आ गया है, जदीद दौर की वजह से टोकरियों की मांग में कमी हो रही है और लोग ज्यादातर प्लास्टिक की चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे टब वगैरह हो। लेकिन फिर भी हम इस पुरानी सकाफत को उजागर किए हुए हैं, ये चीज़ें बना रहे हैं। शहतूत बड़ी मुश्किल से मिलता है लेकिन हम कोशिश करके ढूंढ के लाते हैं और अपनी रोजी रोटी बना रहे हैं। जी।